अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमारी जो रिमेनिंग सेटिंग्स रह गई थी उनके अबाउट बात करेंगे और उनको मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जो बाकी सेटिंग्स हैं उनको किस तरह से चेक करना है। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि वो सारी सेटिंग्स को हम किस तरह से करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमने ये प्रोफाइल वाली सेटिंग, अगर मैं इस प्रोफाइल के ऊपर जाऊँ तो ये वाली सेटिंग हम कर चुके थे और इसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी थी कि किस किस तरह से ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये प्रोफाइल था और ये है प्रोफाइल सेटिंग्स। तो हम इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमें मेजर कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो मेक श्योर कि आपकी विजिबिलिटी पब्लिक रहनी चाहिए, प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस लेवल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंस लेवल हो, इंटर लेवल हो तो इंटर लेवल सेलेक्ट कीजिएगा, एक्सपर्ट हो, इंटरमीडिएट हो, जो भी हो वो आप इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप टू 10 कैटेगरीज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी स्किल डबल है, आप वेबसाइट डेवलपर भी हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, तो तब भी आप यहाँ से जो वेबसाइट डेवलपर की हैं तो वो यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और जो ग्राफिक डिज़ाइनर की हैं वो आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किल्स हो। तो आपने अप टू 10 कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा तो आप वो प्रोजेक्ट करने के काबिल हों। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 की 10 ही सिलेक्ट करनी है, लेकिन इतनी सिलेक्ट करनी है जो चीज़ें आपको आती हों वही सारी चीज़ें, उसी के रेलिवेंट जो भी चीज़ें वो सारी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, इसके बारे में भी मैं आगे चल के बात करूँगा, बट डिटेल के अंदर दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो आगे चल के बात करूँगा कि क्या फ़ायदा है और किस क्यों क्रिएट करनी चाहिए। यहाँ पे देखें, मेरे पास जो प्रोफाइल है यहाँ पे एक वेब डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग और ऑल वर्क। डिजिटल मार्केटिंग की अलग प्रोफाइल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं और जो डिटेल हैं वो सारी डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट ही शो हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड वेब डिज़ाइनिंग के जो है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट ही शो हो रहे हैं और बाकी डिटेल भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सारी शो हो रही है और तमाम वर्क है वो सारे इसके अंदर है अवेलेबल है। तो इस तरह से आप दो डिफरेंट प्रोफाइल्स एक ही प्रोफाइल के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि ये मेरा जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, ये वेब डेवलपमेंट का है, ये सिर्फ दो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल को जो है उसको सेटअप कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपसे डिटेल्स मांगेगा, आपने वो डिटेल देनी और आपकी प्रोफाइल इस तरह से ऐड हो जाएगी। इससे क्या होता है कि जब बायर आता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर तो वो इस तरह से आपका स्पेसिफिक वर्क देख सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम लगाए। ओके, तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे और जो जो डिटेल्स ये आपसे मांगता जाएगा वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालते जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्राफिक, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं सिंपल एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसका जो डिटेल है मैं अलहदा से डाल देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उस वो भी मैं अलहदा डाल सकता हूँ, जो भी मुझे डालनी हो। तो वो ये कह रहा है करेक्टर्स, तो मैं जल्दी से इसको जस्ट डमी डाल दूँगा। इट्स नॉट एन वैलिड ओवरव्यू, तो मैं क्या करता हूँ उसी को रहने देता हूँ और इसके अंदर से कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे प्रॉपर अपनी स्किल के मुताबिक पूरी डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें देनी है। तो पर्सनल पोर्टफोलियो वो पूछ रहा है कि जो आपने दूसरी प्रोफाइल के अंदर दिया था वो यहाँ से आप इसी प्रोफाइल के अंदर ऐड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्योंकि वो वेब डेवलपमेंट का था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, तो मैं इसको नहीं ऐड करना चाह रहा, अगर रेलिवेंट है तो आप कर सकते हैं। तो रिव्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आ चुकी है। ओके, और यहाँ से सिंपल मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे उसी तरह से ऑल वर्क और जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे गलती से मैंने अकाउंटिंग सेलेक्ट कर दिया था, आप अपने रेलिवेंट सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। वापस हम चलते हैं उन्हीं सेटिंग्स के ऊपर और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो मुझसे डिटेल्स मांग रहा है, आई डिडंट रिमेम्बर, ओके मैं वापस चला जाता हूँ।
ओके आई रिमेम्बर दैट कि क्या आंसर था हमारे पास. सॉरी यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना था. मैं क्वेश्चन का आंसर डाल रहा था गलती से मिस्टेकनली. तो मैं अगेन यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो है वो लॉगिन करता हूँ. मुझे यहाँ पे ईमेल आ गई कि आप रीसेट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा. मुझे याद है मेरा जो डिटेल था वो क्या था. और यहाँ पे अब मुझसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने जो सेट किया था क्वेश्चन, तो मैंने लिखा था एहसान. तो हमारी प्रोफाइल जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी है अगेन. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. और सिंपल मैं यहाँ पे अगेन सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, रिमेनिंग सेटिंग्स को देखता हूँ. यहाँ पे देखें ये सेटिंग्स हम कंप्लीट कर चुके थे. गेटिंग पेड के अबाउट एक डिटेल वीडियो अलहदा आगे चल के आएगी कि किस तरह से आप जो है वो पैसे निकाल सकते हैं अपवर्क से अपने लोकल बैंक अकाउंट के अंदर. यहाँ पे मैं आपको पेमेंट मेथड ऐड करके दिखाऊंगा. उसके बाद माय टीम्स है, यहाँ पे आपके जितने भी टीम्स हैं और सारी चीज़ें वो यहाँ पे शो होंगी. इसके अबाउट आपका ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर आगे चल के मैं इसको भी मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा. कनेक्टेड सर्विसेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे सिंपल आप अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो इस ब्राउज़र के अंदर जो भी आपका जीमेल अकाउंट कनेक्टेड होगा सिंपल आप उसको कनेक्ट कर दीजिएगा. ठीक है, आपकी प्रोफाइल कम्प्लीट आपने करनी है और ये कनेक्ट आपने लाजमी करना है. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया सिक्योरिटी. यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और बाकी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं. लास्टली हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है नोटिफिकेशंस का. आप अपने नोटिफिकेशंस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ का नोटिफिकेशन कहाँ पे है. डेस्कटॉप के ऊपर ऑल एक्टिविटीज़ का नोटिफिकेशन है, आपको कोई मैसेज करे, आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो, कोई रिव्यू देके जाए, कोई मैसेज आए और साउंड भी प्ले हो. उसके बाद मोबाइल के ऊपर आपको किन किन एक्टिविटीज़ का नोटिफिकेशन आना चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ईमेल के ऊपर आपको कब नोटिफिकेशन आना चाहिए, मैं इसको कहूँगा इमीडिएटली आप इसको होना चाहिए. और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों को नोटिफिकेशन आने चाहिए यहाँ पे इनको आप चेक और अनचेक कर सकते हैं. जिन जिन चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए उनको आप अनचेक कर दें, जिनके चाहिए उनको रहने दें. मैं रिकमेंड यही करूँगा कि सबको चेक ही रहने दीजिए, आपको अपने प्रोफाइल और अपने बिजनेस के रेलिवेंट अपडेटेड रहना चाहिए. तो ये थी हमारे पास सेटिंग्स जो कि हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर देख ली और कम्प्लीटली हमने अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर लिया. आगे चल के हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रोफाइल के बाकी ऑप्शंस को देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं. तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. अल्लाह हाफिज़.